लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे रेन। नेक्स्ट टॉपिक है या लेक्चर 3 है, आप लोग लेक्चर 2 देख चुके हैं मैं पीछे, तो इसमें रेन पढ़ेंगे। रेन का मतलब होता है क्या? बारिश। और यह बारिश जो होता है, रेन कैसे बनता है, मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे। देखेंगे रेन इज फॉर्म बाय इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर थ्रू वाटर साइकिल। या क्या होता है, जो वाटर साइकिल होता है, वाटर साइकिल के द्वारा जब पानी का जो इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन होने के बाद वह क्या होता है, उसे क्लाउड फॉर्म होता है, बादल बनता है। बादल बनने के बाद फिर क्या होता है, बारिश के रूप में नीचे आता है। तो इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, मतलब कि जहां जहां वाटर होता है, जैसे कुछ समुद्र हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, और वाटर से क्या बनता है, और इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के बाद बादल बनता है, बादल के क्लाउड्स का उत्पादन करता है, और उससे क्या होता है, उसके बाद उससे बारिश होता है। जब वह क्या होता है, बादल जो होता है, जब एटमोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो बादल बारिश का रूप में, बूंद के रूप में क्या होता है, नीचे गिरता है। अब देखेंगे रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैरीज आउट ऑल द एग्रीकल्चर प्रोसेस इन द प्लांट्स। मतलब कि होता क्या है कि प्लांट्स में जितने भी एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है, उसके लिए रेन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So we should conserve rain by contracting dams, pools, etc. देखिए बारिश के पानी को रीस्टोर किया जाता है, स्टोर करने के लिए डैम का निर्माण होता है। डैम का मतलब होता है बांध। जब आप किसी कहीं कहीं जाइएगा, जैसे वहां पे देखिएगा डैम है, मतलब बांध बना हुआ, बांध बांध कर पानी को रोक कर रखा जाता है, और उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो डैम का निर्माण किया जाता है ताकि बारिश का जो पानी है उसको संचित स्टोर करके रख सके और फ्यूचर में उसका यूज करे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन। तो एसिड रेन में देखते हैं कि व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न, गैसेस लाइक सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनओ2 जिसको बोलते हैं आर रिलीज। मतलब कि जब हम किसी भी फ्यूल्स को जाते हैं, फ्यूल्स का मतलब होता है जिससे क्या निकलता है, इनर्जी और लाइट प्राप्त होता है, तो वह जलाने के समय उससे अनवांटेड गैस भी रिलीज होता है, और वह कहां मिल जाता है, एनवायरमेंट में मिलता है, और एनवायरमेंट में मिलने के कारण जब बारिश होता है, तो वह बारिश के बूंद के साथ, बारिश के साथ मिलकर जब वह जमीन पर गिरता है, तो वह एसिड के रूप में गिरता है, जो क्या करता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिल्डिंग को डैमेज कर देता है, फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो एसिड रेन से बहुत सारे क्या है, हार्मफुल इफेक्ट भी है उसका। अब देखते हैं दीज गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह हम देखें एसिड रेन। अब नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे हम लोग क्या, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट में देखेंगे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या देखते हैं, ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है वह एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बढ़ जाता है, तो बढ़ने के कारण यहाँ एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर का जो होता है वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म होने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कीप द अर्थ वार्म मस्ट लाइक ग्लास व्हिच कीप्स अस ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इस ग्रीन कलर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, मतलब CO2 की जो मात्रा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे बहुत सारे क्या होते हैं, डिजीज होते हैं, बीमारी होती है, जैसे स्किन कैंसर। स्किन कैंसर जो होता है किसके कारण होता है, क्लोरो क्लोरो कार्बन के कारण, मतलब क्लोरो क्लोरो कार्बन इसके कारण होता है, और या क्लोरो क्लोरो कार्बन
कार्बन जो होता है किससे बढ़ता है? रेफ्रिजरेटर देखे आप लोग, रेफ्रिजरेटर जो होता है फ्रीज, फ्रीज से क्या निकलता है? CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, गैस निकलता है जो हमारे ओजोन लेयर क्या करता है, या हमारे ओजोन लेयर को भी क्या करता है, डिप्लीकेट करता है, मतलब उसको भी क्षति पहुंचाता है, प्रभावित करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। जैसे आप लोग देखे होइएगा, आप देखिए किसमें देखेंगे हम लोग, तो इंटेंसिफाइड ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड टू ए ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। देखो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, अगर यही स्थिति बना रहे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते रहे तो एक समय आएगा कि बर्फ जितने भी है पोलर रीजन जितना है वह पिघल जाएगा और पूरे पृथ्वी क्या हो जाएगी, उसमें डूब जाएगी। यह किसके कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही होगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होगा। मे लीड टू मीटिंग ऑफ पोलर कैप समर्स नंबर ऑफ कोस्टल इफेक्ट अपॉन चेंज इन एनवायरनमेंट इफेक्ट आवर एक्टिविटी, या किसके कारण का है, तो ह्यूमन बींग्स जो है उसका एक्टिविटी जो चेंज होता है दिन प्रतिदिन जो चेंज हो रहा है उसके कारण सबसे ज्यादा क्या रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है और उस बढ़ने के कारण बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह हम लोग देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप देखें डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का क्षय, डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का डिप्लीकेशन जो है क्षय है वह क्या रहा है, हो रहा है, यह क्यों हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसका जो क्या बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ने के कारण हो रहा है। और इससे उसमें क्या रहा है, जो सन लाइट आता है वह क्षण कराता है, इससे ओजोन लेयर, यह लेयर कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही है, जिसकी दूरी लगभग कितना है 16 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर, ठीक है ना। और इसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण डिप्लीकेशन हो रहा है, और जब डिप्लीकेशन होगा तो सूरज का प्रकाश डायरेक्ट पहुंचेगा अर्थ पे, और जब डायरेक्ट पहुंचेगा तो उससे बहुत सारे डिजीज होगा और उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, मतलब ह्यूमन बींग्स हो गए या प्लांट्स, सभी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। समाप्त हुआ आपका।